किसान भाइयों, आप जो अभी इल्ली जो इस वीडियो में देख रहे हैं, ये टोबैको कैटरपिलर है और इसका प्रकोप हमें कैस्टर, कॉटन, ग्राउंडनट, टमाटर, गोभी आदि फसलों में देखने को मिलता है। आप इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे कि ये कैटरपिलर बहुत ही तेजी से पत्तों को खाता है। शुरुआती दौर में यह पत्तों को छेद कर देता है और बाद में यह पत्तों को इस तरीके से खाता है कि सिर्फ उसमें जो मिड्रिप्स होते हैं, जो वेन्स होते हैं, बस उसे ही छोड़ता है, बाकी बस पूरा पत्ता वो खा जाता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी तरीके से अफेक्टेड होती है और पौधों का विकास बहुत ही कम होता है, जिसके कारण फसल की पैदावार काफी घट जाती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पत्ता गोभी का ये क्रॉप है और इस पे टोबैको कैटरपिलर का अटैक हुआ है। आप इसका देख सकते हैं कितनी बुरे तरीके से इसे खाया है और जनरली रात में इसका अटैक ज्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं, यह वीडियो मैंने रात को रिकॉर्ड किया था वो आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं रात में इसकी एक्टिविटीज कितनी ज्यादा बढ़ जाती है और ये बुरी तरीके से पौधों को खाते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी देखा कि किस तरीके से ये खा रहे हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से अगर हम इसका मैनेजमेंट करेंगे तभी हमारा जो खेती होगा वो मुनाफा का होगा। इससे मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं तो इस पे हम डायरेक्ट केमिकल का छिड़काव नहीं कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लोगों को केमिकल का छिड़काव करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य को नुकसान होता ही होता है। तो चलिए हम एक एक करके सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम इस पेस्ट को, इस इल्ली का हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिस भी पौधे पर इसका प्रकोप दिखे तो जो पार्ट अफेक्टेड है उसे हमें निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहां से ये कीट और भी ज्यादा फैलेंगे। दूसरा, हमें इस बात का ध्यान देना है कि जिस पत्ते पर इसके अंडे दिखाई दे उस पत्ते को तोड़कर हमें नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो उससे ये इल्लियां बाहर निकलेंगी और दूसरे पौधे पर अपना आक्रमण करेंगी और उसे भी नष्ट करेंगी। कैस्टर के पौधे खेत के किनारे में लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये इल्लियां कैस्टर के पौधे की तरफ आकर्षित होती है और यह ऐसे क्रॉप पे अटैक ना करके वो कैस्टर के पौधे पर ही अटैक करेंगी, तो हमारा जो क्रॉप है वो बच जाता है। फेरोमोन ट्रैप के प्रयोग से भी इस इल्ली के प्रकोप से बचा जा सकता है। इसके लिए फेरोडीन एसएल ये केमिकल है, इस नाम से फेरोमोन ट्रैप मिलता है, उसका 15 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से हमें खेत में प्रयोग करना चाहिए। लाइट ट्रैप के प्रयोग से भी इस इल्ली से बचा जा सकता है। इसके लिए एक लाइट ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से हमें प्रयोग करना चाहिए। पॉइजन बेटिंग से भी इसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये तरीके आपको कहीं शायद ही देखने को मिलेंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो इन सब का भी प्रयोग किया जा सकता है, मगर जानकारी के अभाव से किसान भाई इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो पॉइजन बेटिंग के लिए 10 kg राइस ब्रान यानी कि 10 kg चावल का चोकर, उसके उसमें हमें 2 kg जैगरी यानी कि 2 kg गुड़ मिला देना है, साथ ही साथ 750 ml क्लोरोफायरीफोस मिला दे, अगर वो केमिकल ना हो तो। इसके अलावा आप थर्डिकार्प 300 g उसमें मिला दें और आवश्यकता अनुसार उसमें पानी मिला करके उसका आपको बॉल तैयार कर लेना है और छोटे छोटे बॉल तैयार करके उसे आप खेत में उसका छिड़काव कर दे, उसे फैला दे। ये छोटे छोटे बॉल्स कैटरपिलर्स के लिए स्वादिष्ट होने के साथ साथ जहरीले भी होते हैं, जिसे कैटरपिलर्स खाकर मर जाते हैं, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन के लिए क्लोरोपायरीफॉस 20 EC 2 L प्रति हेक्टर की दर से स्प्रे करें या फिर डाइक्लोरवॉस 76 WSC 1 L प्रति हेक्टर की दर से स्प्रे करें, या फिर इसके अलावा आप थायोडीकार्प 1.5 g प्रति लीटर या फिर क्यूनलफॉस 2.5 ml पर लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस इल्ली का जो प्यूपा होता है वो मिट्टी में रहता है और अगर हम उसे मिट्टी में ही मार दें तो वो अगली फसल पर अपना अटैक नहीं करता है, तो इसके लिए हमें खेत में पानी भर देना चाहिए। इससे इसके जो
प्यूपा है वो मर जाते हैं और ये अगली बार फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते तो हैं। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपनी राय देने के लिए कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।